एक काम करते हैं अरमान, तुम ही चूज करो अपने एंड में से कोई और बच्चा जो इंट्रोडक्शन दे पाए अपना। मैम बता रहा एक मिनट, मैं करूं क्या ये चीज? हाँ मैम कर लो, कोई भी हाँ मैम, बच्चा। हाँ प्लीज आप कर दो मैम। मैम ये काजल सिंह तो से पूछिए आप। ओके, कौन सा बच्चा था चलो पहले काजल सिंह फिर यस सुमित। मैम। जो भी बच्चे का नाम मैम अनम्यूट कर लेना उसी वक्त, डोंट वेस्ट एक ऐसे वो करके टाइम वेस्ट। काजल सिंह लेफ्ट मैम लेफ्ट, ऐसे यस्टरडे क्लास भी मैम यही कर रहे थे। मैम पॉइंट पता क्या है, हम आज एक्टिविटीज ले कर रहे क्योंकि मैंने 2 दिन में ये चीज नोटिस करी। बच्चे रिज्यूम बना रहे हैं, ओके फाइन, बट बच्चों के अंदर ना वो हेजिटेशन है कि मैंने कुछ गलत लिख दिया, तो अपने डाउट्स पूछने में भी हेजिटेशन है, तो वो हेजिटेशन निकालने के लिए एक्टिविटी हो रही है। अच्छी चीज है आरुषि, बट कैसे करूं, बच्चे नहीं समझ रहे हैं। अच्छा चलो मैम ठीक है। दिनेश कुछ बोला क्या? यस हाँ ठीक है, चलो अमित सिंह गुड। यस मैम, फर्स्टली आई से गुड मॉर्निंग और गुड गुड इवनिंग, एंड आफ्टर आई से माय नेम इज अमित सिंह, आई एम 16 इयर्स ओल्ड एंड आई गॉट 90% इन क्लास 10th। आई इंटरेस्टेड इन मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट बिकॉज आई कैन बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। बस मैम शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ओके दैट ग्रेट अमित, बट कि वेरी तुमने नाइस, यस उसने कोशिश करी है। चलो एक एक छोटी सी एक क्वेश्चन मेरा सबके लिए है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें करते हैं, जस्ट लाइक सबको अपना। हाँ जी दिनेश, वांट टू स्पीक अप, कुछ बोलना है? ओके ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सबको पता है हम लाइफ में बहुत सारी चीजें करते हैं और हम उस चीज में एक्सेल कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक किसी को ड्राइंग में एक्सेल है, कोई चेस में बहुत अच्छा है, कोई बैडमिंटन में अच्छा है ना, सबको अपने प्लस पॉइंट्स पता है। यहाँ पे मोस्टली सारे बच्चों को अपने प्लस पॉइंट्स पता होगा कि मैम मैं तो ये चीज अच्छे से कर सकती हूँ, मैं तो ड्राइंग अच्छी कर लेती हूँ, मैं तो खाना अच्छा बना लेती हूँ, या फिर कोई बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, अब सब अपनी स्ट्रेंथ्स हैंड रेस कर लेते हैं, वन बाय वन हमें सब स्ट्रेंथ्स बताएंगे। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन नहीं देना, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। तो हैंड रेस करो, फटाफट से अपने स्ट्रेंथ्स बताओ कि क्या क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हैं। जितने ज्यादा हैंड रेस आ सकते हैं फटाफट हैंड रेस करो। ओके स्टार्टिंग विद अरमान, सबसे ऊपर अरमान का नाम है, देन उसके बाद दिनेश, अखिलेश, फटाफट अपनी स्ट्रेंथ्स बताओ वन बाय वन। मैम अरमान, दिनेश, अखिलेश, अजीत, जल्दी जल्दी बताओ वन बाय वन बेटा। हर पर्सन के पास सिर्फ 50 सेकेंड है अपनी स्ट्रेंथ्स बताने के लिए, फटाफट मैम बोलो। वन बाय वन सबके हैंड रेज हो रहे हैं, तो इट्स बेटर जल्दी जल्दी सारे बता दें बच्चों। हाँ सब अपने अपनी स्ट्रेंथ्स बताओ कि किस चीज में अच्छे हो। प्लेइंग गेमिंग ओके रीडिंग बुक्स ओके नेक्स्ट, ओके बायो। देन बायो, हाँ दैट्स नाइस। दिनेश तुम्हारा? यस मैम बायोज बुक। यस मैम। मैम आई एम अ क्रिकेट प्लेयर ओके एंड आई एम क्रिकेट कैप्टन, कैन मोटिवेट द टीम्स। आई एम इंजीनियर्स, कैन क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। दैट्स नाइस। ओके यस मैम। मूविंग ऑन, अभिजीत तुम्हारे स्ट्रेंथ्स क्या क्या है यहाँ पे? मैम जैसे चेस में, कैरम पे, बैडमिंटन कंपटीशन पे, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स पे ओके दैट्स और बुक रीडिंग पे। नाइस। ओके नेक्स्ट मुक्ता। यस मैम, आई एम गुड एट डांसिंग एंड आई एम अ रियली गुड कुक, ओके दैट्स नाइस, मोस्टली इन बेकिंग केक्स एंड ऑल, दैट्स एंड कूल। आई एम अ गुड रोलर स्केटर, ओके ओके मुक्ता, एंड थैंक दैट्स यू इट। श्रद्धा। ओके ओके देन वेरी गुड बेटा। श्रद्धा, मैम सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग और बुक्स रीडिंग। ओके नेक्स्ट वंश। अभिजीत, अभिजीत मैम, उसके बाद वंश है। ओके ओके अभिजीत, अभिजीत मैम बता चुका हूँ,
हाँ वो बता चुका है तो हैंड अच्छा बेटा आपने हैंड रेस कर रखे हैं, डाउन करो फिर वन इसका होता है, हैंड डाउन कर दो अब वंश वंश यस मैम सिंगिंग एंड डांसिंग रीडिंग बुक्स एंड आल्सो ईटिंग चॉकलेट्स वेरी गुड टैलेंट ईटिंग चॉकलेट वेरी गुड वेरी गुड पलक नेक्स्ट पलक यस मैम मैम आर्ट्स क्राफ्ट्स इंडोर गेम्स स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन सिंगिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब अच्छा लगता है ओके देन नेक्स्ट पलक 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 मैम यस मैम हो गया अच्छा बेटा आपने हैंड्स रेस किया हुआ था ना बताने के लिए यस मैम बता दिया अच्छा दीपशिका नेक्स्ट दीक्षा दीक्षा मैम आई गुड इन साइकिलिंग एंड प्लेइंग चेस ओके दैट्स ओके नाइस अजीत अजीत मैम आल्ट बनना क्रिकेट खेलना रीडिंग पढ़ना ओके नेक्स्ट अखिलेश मैम इन आर्ट एंड इन बैडमिंटन ओके आर्ट गुड ओके नेक्स्ट अखिलेश त्रिपाठी यस मैम आई एम मोस्टली इंटरेस्टेड इन मैथ सब्जेक्ट एंड आई लव प्लेइंग गेम्स लाइक वॉलीबॉल एंड माय मोस्ट ईस्टर्न थिंग्स इज कुकिंग एंड डांसिंग ओके दैट्स ग्रेट सृष्टि यादव सृष्टि स्केचिंग ड्राइंग ओके स्केचिंग एंड ड्राइंग दैट्स नाइस ओके राघव मैम कैलाश भी अपनी स्ट्रेंथ बोलना चाहता है राघव सृष्टि हैंड्स डाउन कर लो मैम इंटरेस्ट क्रिकेट एंड बैडमिंटन एंड रीड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ बुक्स ओके एंड प्रिंस मिश्रा मैम क्रिकेट क्रिकेट और बैडमिंटन बस मैम दो ही में इंटरेस्ट हूँ ओके ओके नो नेक्स्ट कैलाश मैम बैडमिंटन कैरम बोर्ड लिस्निंग म्यूजिक ओके दैट्स नाइस सो इस एक्टिविटी से क्या हुआ कि हम ये क्या तुम लोगों ने एक चीज देखी जब मैंने इंट्रोडक्शन पूछने की बात की किसी का हैंड रेज नहीं हुआ बट मैंने जब स्ट्रेंथ की बात करी कितने सारे बच्चों ने हैंड रेज किया और बात की एक्चुअली तो यहाँ से तुम लोगों को थोड़ा हेजिटेशन कम फील हुआ ना कि यार हमारी स्ट्रेंथ हमने बता दी एंड नाउ वी आर लाइक ओके सबको पता है मेरे बारे में थोड़ा सा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ वो 1% ही सही बट हुआ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल जैसे सब लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ बताई वैसे ही सब अपनी वीकनेसेस डिस्कस करो टेल अस कि तुम कहाँ पे लैक कर रहे हो अभी करेंटली वेदर तुम 9th क्लास में हो 10th क्लास में हो 11th में हो 12th में हो तुम्हें सबको पता होगा कि यार मेरे को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो इम्प्रूवमेंट डिस्कस करो 1 or 2 लाइन में यस अखिलेश आपकी मैडम है तो आप बता सकते हो कोई वो नहीं है डरने वाली बात बता दो ओके अखिलेश अखिलेश ने हैंड रेज किया था हाँ मैम अखिलेश ने बोला था मैम आई मोस्टली वीक इन बायो सब्जेक्ट ओके दैट्स नाइस सो तुम्हें लगता है तुम्हें वो इम्प्रूव करना चाहिए है ना यस मैम दैट्स इट ठीक है डू योर हार्ड वर्क इन दैट सिमिलरली और बच्चे अपने वीकनेसेस डिस्कस करना चाहेंगे अखिलेश ने तो कर दी ओके बाकी सब इंटरेस्ट है मुक्ता यस मुक्ता यही सबसे बड़ी वीकनेस है दैट आई गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली like okay. through phone like I'm studying and I got a message and like now I'm distracted now I'm gonna to scroll memes and all for an hour so I just want to improve this you need to balance your screen time then yeah what I said you need to balance your screen time next corner arman ne shayad se kara tha hand raise wo bachcho ke hand raise aaye the aur akhilesh okay to aur matlab I think sirf do bacche hi okay dinesh ही अपने वीकनेस डिस्कस करना चाहते हैं बाकी सबने आदर्शी यस मैम अभी सबसे बड़ी इनकी वीकनेस है कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा मैं सबके साइड से तुम तुझे बता दे रही हूँ यस मैम बट ये ना कि अरमान ने जैसे भी हैंड रेज किया अरमान यस मैम हाँ तो बताओ मुझे क्वेश्चन करने में दोबारा बोलो क्वेश्चन पूछने में उसको हेजिटेशन होती है वॉइस नहीं आ रही है अरमान एक बार ही दोबारा से रीकॉल नेटवर्क इशू अरमान तुम्हारा हां नेक्स्ट क्वेश्चन मेकर सुनने में
नहीं समझ में आ रहा, एक बार ये रिजॉइन करके फिर दोबारा से बताओगी तो हमें समझ में आ रहा। राधे सिंह आपने भी उठाया था बेटा अपना हैंड रेस किया था, बताइए। सब लोग अपनी जल्दी जल्दी वीकनेसेस बताओ। चलो एक तो मैंने बता दी कॉन्फिडेंस, दूसरी तुम लोग बताओ। हाँ दिनेश ने हैंड रेस किया है। मैम आई वीक इन मैथ। ओके मैथ में। राघव। मैम आई एम वीक इन फिजिक्स। ओके फिजिक्स। एंड अरमान, अरमान अब कनेक्शन ठीक हो गया? यस मैम। अच्छा काफी ग्रेम से वास्तव वही सारी मैम। यस यस अरमान अब आ रही है। अरमान बताओ तुम्हारी वीकनेस। फिजिक्स, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स लगाने में मैम सबसे वीक। तो फिजिक्स न्यूमेरिकल के लिए तो करो भाई, बैठ जाओ एक घंटा डेली का रूटीन बनाओ, डेली एटलीस्ट कम से कम 10 डेली के 10 से 15 न्यूमेरिकल सॉल्व करो। मैम आल्सो मैम कंफ्यूज नहीं आता फिजिक्स देने में, कंफ्यूज हो जाते हैं। फिजिक्स नीड प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा गोल भी वही करता है लास्ट में एग्जाम। मैम साइंस एंड मैथ्स नीड प्रैक्टिस मोस्टली, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। ओके जैसे शिवा सोनी ने चैट बॉक्स में लिखा कि मैम माय वीकनेस इज टू ट्रस्ट एवरीवन एंड डिस्ट्रैक्टेड इजीली। वाओ कितना बड़ा सच लिखा है बच्चे ने। तो शिवा व्हाट यू कैन डू, अब हर किसी पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते ना, तो सिंपल भाई आज के बाद किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। ओके सो डिस्ट्रैक्शन के लिए कर सकते मैम, मैम आप हंसती तो दोबारा मैसेज भी ना करेगा। ओके नेक्स्ट मूविंग ऑन। दीक्षा सेज आई एम वीक इन बायो। ओके दीक्षा सब प्रैक्टिस करो, जिस सब्जेक्ट में तुम वीक हो उसके लिए एटलीस्ट दिन का एक घंटा दिया करो सब, दैट विल हेल्प यू इन दैट केस। ठीक है तो मैम ज्यादा टाइम कहाँ मिलता है, 3 बजे छुट्टी होती है स्कूल की, तो स्कूल वाले यहाँ बिठा देते हैं है ना। मुस्कान मैम जल्दी छुट्टी नहीं कराती बेटा, जो बच्चे इन कॉलिंग मैसेज जो बच्चे इन कॉलिंग मैसेज पे लिख रहे हैं ना उनको बोलो कि वो बोलें, फ्रंट डेस्क पे आके अनम्यूट करके बोलो बेटा, कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करना है। देखो नॉर्मली यहाँ बात हो रही है, नॉर्मली बात हो रही है, जो भी चेक बॉक्स में मैसेज कर रहा है ना वो सीधे सीधे अनम्यूट करके आप लोग बोलो वीकनेसेस। मैं पूछ रही हूँ नॉर्मल सी चीज है, स्कूल में तो आके सब बड़ा पटर पटर करते हो, यहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। मैम मैम यहाँ डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है भाई? तान्या कंटिन्यू करो तुम। मैम मैम जरूर बच्चों मैंने यहाँ ओपन अप होने के लिए बोला था, इतना भी नहीं कि तुम पूरी क्लास डिस्ट्रैक्ट कर। आरुषि मैम ने जो टॉपिक की बात करी वो तो कोई बोलना नहीं चाहता। का एम मत घुमाओ तुम लोग यहाँ पे, ठीक है मैम एक क्वेश्चन। हाँ क्लास का मेन मेन मोटिव ये है कि बच्चों को ओपन अप करना टुवर्ड्स द इंटरव्यू, नॉट कि आप यहाँ पे गॉसिप करने लग जाओ। एग्जैक्टली हाँ अखिल, अरमान यू वांटेड टू से समथिंग बोलो। मैम किसी भी आदमी में बात करने से जब हिचकिचाते तो उसको हेजिटेशन के लिए तो क्या कह सकते हैं, हेजिटेशन के लिए हेजिटेशन मैम आरुषि मैम हेजिटेशन अपनी हटाने के लिए रोज सुबह उठ के एक घंटा या आधा घंटा मिरर के आगे अपने आप से बातें करो, इंग्लिश में हिंदी में जो करनी है करो, सारी हेजिटेशन निकल जाएगी 2 मिनट में अपने आगे। मैम कर लेते हैं डांस भी कर ले। मैम आज से करेंगे बिल्कुल बेटा करना। चलो नेक्स्ट भाई हमें उन्हीं रैंडम बच्चों से जवाब मिल रहे हैं। अपने आगे और अपने फ्रेंड्स के आगे हो जाती है बट किसी और के आगे तो नहीं होती। ओके सबने यस मैम वही बात है मैम। ओके मैम घर वाले पागल। ओके सृष्टि यादव। ओके सृष्टि यादव बताओ बेटा आपने हैंड रेस करा है। वेट अ सेकंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन टू एवरीबॉडी। ठीक है आप लोगों से मैंने स्ट्रेंथ पूछी काफी सारे रिस्पांसेस आए, वीकनेसेस पूछी काफी सारे रिस्पांसेस आए, बट जब प्रोफेशनल समरी लिखने की बात आ रही है तो वहां पे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्यों नहीं डाल रहे हो? Why you're not talking about yourself? You know, ये activity कराने का main perspective था that you guys know about yourself. देन जब पेपर पे लिखने की बात आ रही है तो देन एक्सप्रेसिव क्यों नहीं हो? वहां तो मैं भी नहीं हूँ, वहां पे कोई भी नहीं है, वहां तो आपको अपने लिए लिखना है राइट? तो वहां पे प्रोफेशनल समरी लिखते हुए क्या प्रॉब्लम्स आई आप लोगों को? मैम रेज्यूमे को हिंदी से नहीं लिख सकते हैं? हिंदी में मैम मुस्कान हम क्या हिंदी में वर्क करता है? मैंने तो नहीं देखा है अभी तक, बट मैम रेज्यूमे नहीं 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 कभी नहीं लिखा जाता हिंदी में, कभी भी रेज्यूमे हिंदी में नहीं होता।
वो जिनने बताया उनसे जाके पूछो, हमको नहीं पता। हिंदी में कहां से देखा, मैंने तो आज तक नहीं देखा है। नहीं हिंदी में होते ही नहीं। हिंदी का, अगर हिंदी का भी कोई टीचर है तो वो अपना रेज्यूमे इंग्लिश में ही वो करते हैं, शो करते हैं। अच्छा हिंदी हमारी मदर टंग है, बट हमारे जो एक्सेस है मोस्टली इंडिया में इंग्लिश का है, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल्ड अस, सो समहाउ तुम्हें वो चीज तो इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं समहाउ, सो वैसे ही चलेगा। तो तुम्हें गलत है, जिसने IAS ऑफिसर बनना है ना, वो जब बन जाएंगे तो ये रूल हटवाना, ठीक है? ओके मैम। क्या मैम? अब मैं हटवा देंगे, क्या दिक्कत है? चलो अच्छा मैम, हम इंग्लिश मीडियम वाले बहुत सुनाएंगे। नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं है, देखो कुछ चीज होती है जो वैसी होती है, मतलब रेज्यूमे इंग्लिश में आपको देना है तो इंग्लिश में ही होगा, चाहे आप लैंग्वेज इंट्रोडक्शन के टाइम में कोई भी यूज कर लो, बट रेज्यूमे का अभी तक तो मैंने खुद नहीं देखा है कि हिंदी में किसी का रेज्यूमे। एंड अगर हमारे माइंड में अगर ये क्वेश्चन है कि इंग्लिश ही क्यों, तो बेसिकली हम तुम लोगों ने ज्योग्राफी हिस्ट्री जो पढ़ी है उसमें तुमने पढ़ा होगा डाइवर्सिटी, हमारी जो कंट्री है बहुत ज्यादा डाइवर्स है, तो बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज बोल पाते हैं मराठी बंगाली एंड सो ऑन, तो इसलिए हिंदी एक इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज हो गई है सबके बीच में, जो जिसमें हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई तमिलियन है उसको हिंदी नहीं आती तो हम उससे इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको इंग्लिश आती है, क्योंकि दैट इज कॉमन बिटवीन अस, इसलिए रिज्यूमे का जो लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश ही रहेगा दैट केस। ओके मैम, इंटरव्यू के टाइम पे तो हिंदी यूज कर सकते हैं ना, ठीक है? अब क्या सुमे दोबारा से बोलो क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए। मैम इंटरव्यू के लिए तो मतलब हिंदी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी यू कैन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर जो सामने इंटरव्यूअर है वो तुम्हारी लैंग्वेज ग्रास्प कर पाए, मतलब क्योंकि इंग्लिश एक नॉर्मल हमने एक वो बना दिया है कि दैट सर्व्स बिटवीन एवरीवन, सारे लैंग्वेजेस के बीच में एक इंग्लिश नॉर्मल हो गई है ना, मगर हाँ, बट ये कि हिंदी अगर आप कंफर्टेबल हो तो यू कैन गो फॉर इट।